दोस्तों, आज हम जिस शानदार मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। कहने को ये मूवी 1948 की है, जहां हम में से शायद कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा, लेकिन इसकी कहानी का मैसेज इतना जबरदस्त है कि आज की लाइफ में भी वो एज इट इज काम करता है, और इसका अंदाजा आप इसकी रेटिंग से लगा सकते हैं जो आज भी 8.3 है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये मूवी, जिसका नाम है द बाइसिकल थीफ। कहानी की शुरुआत में हम एक बिल्डिंग के सामने कुछ लोगों की भीड़ को देखते हैं, जहां सभी लोग नौकरी की तलाश में यहां आए हुए थे। तभी वहां एक ऑफिसर आकर एंटोनियो को आवाज लगाता है और उसे पोस्टर लगाने का काम देता है। साथ ही वो एंटोनियो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई साइकिल है। एंटोनियो कहता है नहीं। उसका ये कहना ही था कि तभी भीड़ से एक आदमी कहता है कि सर, मेरे पास साइकिल है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सभी का जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था और लोग नौकरी पाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। खैर, तभी एंटोनियो कहता है कि साहब, अभी तो साइकिल नहीं है, पर आप फिक्र ना करें, मैं कहीं से भी उसका इंतजाम कर लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से निकलकर सीधा अपनी पत्नी मरिया के पास पहुँचा, जो मोहल्ले में महिलाओं की भीड़ में पानी भरने की कोशिश कर रही थी। यहाँ आकर एंटोनियो ने सबसे पहले मरिया को जॉब लगने की खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनते ही मरिया की तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन तभी एंटोनियो ने कहा कि वो नौकरी मुझे तभी मिल सकती है जब मेरे पास साइकिल हो। अब ये सुनते ही मरिया उदास हो गई, क्योंकि अभी तक उनके जीवन में खाने की चीजें भी पूरी नहीं हो पा रही थी, साइकिल कहाँ से आती। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मरिया ने एक सफल गृहिणी होने का सबूत पेश किया और घर की कुछ फालतू और कीमती चीजों को बेचकर, जिसमें साइकिल के साथ साथ वो एंटोनियो के लिए एक जोड़ी नए कपड़े भी ले आई, ताकि वो काम पर अच्छे से जा सके। सच में दोस्तों, पत्नियां जीवन में बदतर समय को भी बेहतर में बदलने की शक्ति रखती हैं। खैर, नई साइकिल पाकर दोनों बहुत खुश थे, और एंटोनियो को उस साइकिल की खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो तो पोस्ट ऑफिस अपने काम पर उसे कंधे पर रखकर ही पहुंच गया। वहां से काम समझकर वो बाहर आया, जहां मरिया पहले से ही उसका वेट कर रही थी। एंटोनियो बोला, तुमको पता है मरिया, मेरी तनख्वाह पूरे 3,000 रुपए है, अब देखना हमारे घर में भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये सुनते ही मरिया को एहसास हुआ कि मानो उसकी जिंदगी में कोई नई सुबह आई हो, और वो अपनी छोटी खुशियों को बुनती हुई एंटोनियो के साथ साइकिल पर बैठकर घर चल दी, क्योंकि वो साइकिल उन दोनों के लिए कोई महंगी कार से कम नहीं थी। घर जाते वक्त मरिया रास्ते में चर्च पर उतर गई, क्योंकि अपने पति की नौकरी के लिए उसने मन्नत जो मांगी थी, और उसी के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करने वो वहां आई थी। खैर, पति पत्नी के अलावा उनका 7 साल का बेटा ब्रूनो और 1 साल की बेटी भी है, जो उनका घर पर इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि ब्रूनो सुबह उठते ही अपने बाबा की साइकिल को कपड़े से चमकाने में लग जाता है, क्योंकि आज बाबा के काम का पहला दिन जो है। ये छोटा बच्चा भी जानता है कि ये साइकिल उनकी जिंदगी में कितनी कीमती है। अब दोनों बाप बेटे तैयार होकर काम पर एक साथ निकलते हैं, और रास्ते में वो अपने बेटे को एक पेट्रोल पंप पर उतार देता है। इस बात से आप एंटोनियो के घर की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पढ़ने लिखने की उम्र में एक छोटा बच्चा भी घर में अपना योगदान दे रहा है। खैर, उधर एंटोनियो भी अपनी नौकरी को लेकर बहुत खुश है और पूरा मन लगाकर काम कर रहा है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि एक लड़का काफी देर से एंटोनियो पर नजर रखे हुए है। एंटोनियो सिर्फ अपने काम में मगन है, क्योंकि वो उसके लिए पूंजी की सबसे बड़ी सौगात है, और इसी बीच वो लड़का एंटोनियो की साइकिल को लेकर वहां से भाग निकलता है। जैसे ही एंटोनियो ने उसको देखा, मानो उसके तो जिस्म से प्राण ही निकल गए हों, वो पूरे दम से उसका पीछा करने लगा। लेकिन एक चौराहे पर आकर वो चोर कहीं विलुप्त हो गया। वो यहाँ वहाँ पागलों की तरह उस चोर को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, और आखिरकार दुखी मन से वो अपने काम करने की जगह पर वापस आ गया, और काम खत्म करके वो पुलिस स्टेशन अपनी रिपोर्ट लिखवाने गया। लेकिन वहाँ उसे समझ आ गया कि इतने बड़े शहर में कोई क्यों छोटी सी साइकिल को ढूंढने जाएगा। वहाँ से घर जाने के लिए जब वो बस स्टैंड पहुँचा, तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई मेला लगा हो। लोग बस में जाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं, और बस आने पर भी ऐसा नहीं कि रत्ती भर भी जगह मिल जाए, जिसकी वजह से एंटोनियो ने बस का वेट नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपने लड़के को लेने चला गया। जब एंटोनियो अपने बेटे के पास पहुंचा, तो ब्रूनो ने कहा कि बाबा, आपको इतनी देर क्यों हुई, और आपकी साइकिल कहाँ है। लेकिन एंटोनियो के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब ब्रूनो ने पूछा कि बाबा, क्या साइकिल खराब हो गई है। तब एंटोनियो ने मन ही मन टूटते हुए बोला कि हाँ बेटा, साइकिल खराब हो गई है, मैं कल जल्द ही उसे ठीक कराकर ले आऊंगा। ऐसा बोलकर वो उसे घर के दरवाजे पर छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चला गया, जहां उसने पूरी बात बताई। उसका एक दोस्त बोला, हाँ, एक जगह है जहां चोरी का सामान खरीदा और बेचा जाता है। अब अगली सुबह एंटोनियो अपने बेटे के साथ उस जगह पर पहुंचा, लेकिन वहां उसने देखा कि उसकी साइकिल की तरह हजारों साइकिल लाइन में लगी हुई हैं।
तभी उसकी नजर वहाँ रंग लगा रहे एक आदमी पर पड़ी। एंटोनियो ने कहा कि मैं इस साइकिल का नंबर देखना चाहता हूँ, लेकिन उस आदमी ने इसके लिए मना कर दिया। और झगड़ा बढ़ते देख उस आदमी की पत्नी अंदर से बाहर निकल आई और एंटोनियो से लड़ने लगी। अब एंटोनियो को शक होने लगा कि जरूर ये साइकिल सिर्फ उसी की है। तभी एंटोनियो ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी और पुलिस वहां आ गई और चेक करने पर पता चला कि वो साइकिल एंटोनियो की नहीं है। ये देखकर एंटोनियो अपने एक दोस्त की गाड़ी पकड़कर एक फैक्ट्री के सामने उतर गया। ये शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। उसको यकीन था कि जरूर उसे अपनी साइकिल यहाँ दिख जाएगी। बारिश इतनी तेज थी कि ब्रूनो उसमें पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन एंटोनियो का दिमाग अपनी साइकिल पर था, इसलिए ब्रूनो ने समझदारी दिखाते हुए एक कोने में जाकर खड़े होकर खुद को सुखाने लगा। तभी एंटोनियो की नजर वहाँ खड़े एक लड़के पर पड़ी जो किसी बूढ़े आदमी को पैसे दे रहा था। उसे दिख गया कि ये वही लड़का है जिसने उसकी साइकिल चुराई है। वो जल्दी से उसके पीछे भागा, साथ ही उसका बेटा ब्रूनो भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन काफी दूर तक जाने के बाद भी वो उनके हाथ से निकल गया। अब एंटोनियो वापस उस बूढ़े आदमी की तलाश में गया जिसको वो पैसे दे रहा था, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वो आदमी दिखाई नहीं दिया। लेकिन फाइनली काफी कोशिश के बाद एंटोनियो को वो बूढ़ा आदमी मिल गया। एंटोनियो ने तुरंत उससे उस लड़के के बारे में पूछा, लेकिन वो आदमी कुछ भी बताए बिना वहां से निकल गया। लेकिन एंटोनियो उसे कैसे जाने देता, वो उसका पीछा करने लगा और फाइनली एक चर्च में पहुंचा, जहां पहुंचकर एंटोनियो ने उसे पूरी बात बताई, लेकिन फिर भी वो आदमी कुछ नहीं बोला। तब हार मानकर एंटोनियो ने उसे पुलिस की धमकी दी, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी ने सिर्फ उस चोर की बस्ती का नाम बताया। एंटोनियो जानता था कि बस्ती में ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने उसे साथ चलने को कहा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे चकमा देकर वहां से भी भाग निकला। अब एंटोनियो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा, लेकिन वो भूल गया कि भूखा ब्रूनो अभी भी उसके साथ है और वो पूरी तरह से थक चुका था। अब ब्रूनो ने हार कर बाबा से खाने की बात कही, लेकिन पहले से परेशान एंटोनियो ने अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे गुस्सा होकर भूखा ब्रूनो दूर जाकर खड़ा हो गया। जल्द ही एंटोनियो को एहसास हो गया कि जो उसने किया वो सही नहीं था, वो भी तो अपने बाबा की साइकिल को ढूंढने में मदद कर रहा था, इसलिए उसने अपने बेटे से माफी मांगी। लेकिन मन में गुस्सा लिए ब्रूनो अपने बाबा से दूर चलने लगा, लेकिन आखिरकार बेचारा बच्चा कब तक अपने बाबा से दूर रहता। वो थोड़ा दूर जाकर वापस अपने बाबा से मिल गया और साथ चलने लगा। अब कड़ी दोपहर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दोनों बाप बेटे अपनी उस साइकिल को ढूंढ रहे हैं। अब थक हार कर जब एंटोनियो ने अपने बच्चे की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका बच्चा कितना भूखा है। यहाँ उसने अपना पर्स निकाला और पैसे टटोलने लगा। एंटोनियो को यहाँ समझ आ गया कि पैसे बहुत कम हैं, इसलिए वो अपने बेटे को पास के ही एक होटल में ले गया, जहाँ सस्ती से सस्ती चीज भी उसके लिए महंगी थी। इसलिए एंटोनियो ने वेटर से एक प्लेट को दो जगह लाने को कहा। वहीं एक अमीर परिवार सारे पकवान के साथ खाना खा रहा है, जहां ब्रूनो की हम उम्र का लड़का टेढ़ी निगाहों से ब्रूनो को देख रहा है। ये बात एंटोनियो को भी हजम नहीं हुई। वो अपने बेटे के मन की बात समझ गया और बोला कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मेरी तनख्वाह मिलते ही हम भर पेट खाना खाएंगे। अब वहां से निकलकर कोई रास्ता ना दिखने पर एंटोनियो एक भविष्य दिखाने वाली महिला के पास गया और सारी बात बताई, जिसके बाद उस महिला ने कहा कि तुम बाहर निकलते ही बस अपने सीधे हाथ की तरफ देखना। अब एंटोनियो को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया उसे अपने सीधे हाथ की तरफ वही चोर फिर से नजर आ गया। अब एंटोनियो देखते ही उसे पहचान गया। एंटोनियो तो उसको कभी भूल नहीं सकता था, क्योंकि उसने उसका सब कुछ छीन लिया था और चोर को भी पता था। इस बार एंटोनियो ने उसे कोई मौका नहीं दिया और जाकर उसे पकड़ लिया और बोला, बता मेरी साइकिल कहाँ है। वो लड़का बोला, कौन सी साइकिल, मैं किसी साइकिल के बारे में नहीं जानता। तब एंटोनियो बोला कि साइकिल लिए बिना मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, भले ही मुझे तेरी जान क्यों ना लेनी पड़ जाए। अब उन दोनों के झगड़े को देखकर वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी और वो एंटोनियो से पूछने लगे कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि यही चोर है और इसने ही तुम्हारी साइकिल चुराई है। एंटोनियो बोला, इसी ने चुराई है, मैं इसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। तभी लोगों ने उसे बोला कि झगड़ा करने से अच्छा है पुलिस को बुला लिया जाए। तभी समझदार ब्रूनो भागकर पास के ही पुलिस स्टेशन से पुलिस को लेने चला गया। वहीं वो चोर पुलिस का नाम सुनते ही बेहोश होने का नाटक करने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर वहां खड़े लोग एंटोनियो को ही दोष देने लगे। इतने में ब्रूनो भी पुलिस को लेकर वहां आ पहुंचा, साथ ही उस चोर की माँ भी वहां आ गई और बोली कि अगर चोरी मेरे बेटे ने की है तो मेरे घर की तलाशी ले लो। अब पुलिस एंटोनियो के साथ अंदर घर में गई, लेकिन वहां साइकिल कैसे होती, उसे तो वो चोर पहले से ही बेच चुका था। तभी पुलिस वाला एंटोनियो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि इसने ही तुम्हारी साइकिल चुराई है। एंटोनियो बोला, नहीं। ये सुनते ही ऑफिसर बोला कि फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये बात यहीं खत्म कर दी गई।
ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों ने एंटोनियो को बहुत कुछ सुनाया, जिसके बाद दोनों बाप बेटे बिना कुछ कहे चुपचाप सर झुकाए वहाँ से निकल आए। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि एंटोनियो के पास अब तो कोई जॉब भी नहीं है, क्योंकि साइकिल के बिना उसे कोई पोस्टर लगाने का काम भी नहीं मिलेगा। अब चलते चलते थक कर वो बस स्टैंड पहुँच गए, जहाँ बेचारा ब्रूनो थक हार कर वहीं हार मानकर बैठ गया। तभी एंटोनियो की नजर सड़क की दूसरी तरफ खड़ी हजारों साइकिलों पर पड़ी। वो मन ही मन सोचता है कि यहाँ इतनी साइकिलें हैं, फिर भी वो अपनी एक साइकिल के लिए दिन रात एक कर चुका है, लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी बीच एंटोनियो की नजर दीवार से सटी एक साइकिल पर पड़ी। उसे पता नहीं क्या लगा, उसने तुरंत ब्रूनो को कुछ पैसे दिए और गाड़ी लेकर वापस घर जाने को कहा। इसके बाद एंटोनियो सीधे उस साइकिल की तरफ गया। हम सबको पता है कि हताश एंटोनियो के मन में क्या चल रहा है। उसने यहाँ वहाँ देखा और जब उसे आसपास कोई नजर नहीं आया तो वो साइकिल लेकर भागने लगा। तभी उस साइकिल का मालिक वहाँ आकर चोर चोर चिल्लाने लगा। उसकी ये आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी वहाँ आ गए और उसे पकड़ लिया गया। वहीं ब्रूनो गाड़ी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने बाबा को ऐसे चोरी करते हुए देखा तो मानो जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। वहीं एंटोनियो को लोग पकड़कर बुरी तरह से मारने लगे। तभी ब्रूनो जल्दी से उस भीड़ में आकर जोर जोर से चीखने लगा कि मेरे बाबा चोर नहीं है, मेरे बाबा ने चोरी नहीं की। लेकिन भीड़ कहाँ किसी की सुनती है। वो सभी एंटोनियो को पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। तभी वहाँ साइकिल का मालिक आया और ब्रूनो को ऐसे देखकर उसे तरस आ गया और उसने एंटोनियो को छोड़ दिया। लेकिन अभी भी लोग एंटोनियो को धुतकार रहे थे। एंटोनियो वहाँ से बच तो गया, लेकिन उसकी जुबान अभी भी खामोश थी। आज के समाज ने उसे उसके ही बेटे के सामने चोर साबित कर दिया था, जिसे सोच सोच कर उसकी छाती फटी जा रही थी। वो अपने बेटे की तरफ देखकर सोचता है कि जिंदगी भर उसने जिस बेटे को सही रास्ते पर चलना सिखाया, आज उसी के सामने वो एक चोर साबित हो गया। और यही सोचते सोचते वो भीड़ में अपने बेटे का हाथ छोड़कर कहीं गुमनाम हो गया। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एंटोनियो ने सच में गलत किया? क्या जो उसने किया वो गलत था? जब कहीं से उसे कोई मदद नहीं मिली तो मजबूरन उसे चोरी करनी पड़ी। कभी कभी ऐसी जगह पर हम सन्न रह जाते हैं, क्या गलत है क्या सही हम वो सोच नहीं पाते। एक तरफ बच्चे और बीबी की भूख और दूसरी तरफ इज्जत, आदमी करे तो करे क्या। और इसी के साथ होता है इस कहानी का दी एंड। लेकिन दोस्तों, आपकी एंटोनियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।